फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। गदर 2 ने 250 करोड़ क्रॉस कर लिए और जल्द ही फिल्म 300 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। लोगों पर गदर 2 के फिल्म की दीवानगी देखने लायक है। इसी बीच फिल्म के पहले पार्ट गदर को लेकर आजकल एक किस्सा काफी चर्चा में है। क्या आप जानते हैं गदर की लीड रोल यानी तारा सिंह के लिए सनी देओल फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा की पहली पसंद नहीं थे। सनी देओल की ये फिल्म 90 के दशक के सुपरस्टार के रिजेक्शन के बाद मिली थी। फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा का एक पुराना इंटरव्यू काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि वो सबसे पहले इस फिल्म को किसके साथ बनाना चाहते थे। बता दें कि डायरेक्टर अनिल शर्मा का बयान तब सामने आया जब साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी। तभी गोविंदा ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि बहुत साल पहले इस फिल्म को मुझे ऑफर किया गया, जिसे मैंने रिजेक्ट कर दिया था। उनके बयान से उन दिनों अटकलें लगाई गई थी। फिल्म में तारा सिंह को रोल सबसे पहले गोविंदा प्ले करने वाले थे। अनिल शर्मा की फिल्म के लिए वो ही पहली पसंद थे। इसके साथ ही अमीषा पटेल की जगह काजोल फिल्म में सकीना का रोल प्ले करने वाली थी, लेकिन दोनों के रिजेक्शन के बाद अनिल ने सनी देओल और अमीषा पटेल पर विचार किया और उनके साथ फिल्म बनाई। मगर अनिल शर्मा ने इन सभी खबरों को खारिज कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने ये सच्चाई बताई कि फिल्म की पहली पसंद कौन था। अनिल शर्मा ने बताया था कि फिल्म में तारा सिंह के रोल के लिए गोविंदा को फाइनल नहीं किया गया था, लेकिन उन्हें कहानी जरूर सुनाई थी। उन्होंने कहा था, गोविंदा को गदर एक प्रेम कथा के लिए कभी साइन नहीं किया गया था। मैं उन्हें महाराजा में निर्देशित कर रहा था, तब मैंने उन्हें इसकी कहानी जरूर सुनाई थी। शायद इसी वजह से उन्हें तो ऐसा नहीं था कि मैंने उनको कास्ट किया था। उन्होंने गोविंदा के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा था उन्हें गलतफहमी हो गई थी। उस बातचीत में अनिल शर्मा ने यह भी कहा था कि जब गदर एक प्रेम कथा की कहानी गोविंदा को सुनाई गई थी, तब वो फिल्म की कहानी सुनकर भयभीत हो गए थे। उन्हें पाकिस्तानी कहानी से डर सताने लगा था। डायरेक्टर ने यह भी कहा कि काजोल एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस नहीं थी जिनसे उन्होंने मेन रोल के लिए कॉन्टेक्ट किया था, लेकिन एंड में हमने अमीषा को फाइनल किया। फिल्म के नायक के रूप में सनी देओल पहली और आखिरी पसंद थे। फिल्म की कहानी उन्हीं को सेंटर में रखकर लिखी गई थी। आपको बता दें कि गदर एक प्रेम कथा साल 2001 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। डायरेक्टर अनिल शर्मा की इस फिल्म का बजट उस समय 18.5 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड तोड़कर एक नया इतिहास रचने में कामयाब हुई थी। ऐसे ही तमाम एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी शोबिज़।